नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़ का आलम जारी है। उसी बीच कांग्रेस ने अब अपनी सफाई पेश की है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का दावा है कि अब विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक करीब 25,000 बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक डस्टबिन है और कांग्रेस का कचरा वहाँ जा रहा है। सर, एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि बीजेपी डस्टबिन बन चुकी है, कांग्रेस का कचरा वहाँ जा रहा है। आस्थिन के साथ पर कायम हूँ। कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को हमारी पार्टी में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध के रूप में ले रही है और जो लोग अपने स्वार्थों के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो जेल जाएं या भाजपा में जाएं। भाजपा में जाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने कहा है कि आस्थिन के साथ जितने दूर होंगे उतना ही कहीं ना कहीं भी कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल, अभी पतझड़ का मौसम है, आपको सड़कों पर किसी भी वृक्ष के नीचे पत्ते झड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और दो महीने बाद जब उसी मार्ग पर निकलेंगे तो वो वृक्ष पर हरे पत्ते आपको दिखाई देंगे, वो छायादार वृक्ष कहलाएगा, प्रदूषण को दूर करेगा और इंसान को ऑक्सीजन देगा। आपने दावा किया है सर कि 25,000 करीब बीजेपी के लोग कांग्रेस। मेरे दावा नहीं, डॉक्यूमेंट लेकर बैठा था और आप किसी भी पेज को देख सकते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितनी संख्या में कांग्रेस ज्वाइन की थी। यह वक्त की बात है कि हम सरकार नहीं बना पाए, तो जो नहीं बना पाए हम सरकार, तो जो हमारी जड़ें हैं वो आज भी कांग्रेस के साथ हैं और जो स्वार्थी पत्ते हैं वो खेल रहे हैं। ये थे कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी भगदड़ का आलम है। करीब 25,000 लोग विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो आस्थिन के साफ हैं वो कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, उससे कांग्रेस मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।